नमस्कार कश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में योगी की सभा चल रही है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सभा है, आपको सीधे लिए चलता है। इस सब के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। आदरणीय संतोष पांडे जी के पश्चात मैं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी को यहां आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात यहां पर रखेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा उत्तर प्रदेश में गुंडन के सरकार रही से, पूरा उत्तर प्रदेश में माफिया के सरकार रही से, सब लाला उड़ा लटका लटका के सीधा करिया हमर मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर आ रहे हैं भैया। जोरदार ताली के साथ एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन। जिन मानिस ने समझाई से, जिन समझिस ने समझाई से नहीं समझिस तब बुलडोजर भेजवाई से। संगवारे संगवारे वो कबरदार के चुनाव रही से, भूपेश का ये अकबर और ढेबर के सरकार चल रही से, वो सरकार चल रही से कबरदार के चुनाव रही से, बड़ा खतरनाक चुनाव। ओ बाबा मान ले हमारे दिनाथ जी कबरदार के धरती में इसने पधारे हैं भैया, और सब जनता से अपील कर रहे हैं कि चिंता कोई बात के झंझट हो जब पैर पर ही तब मैं जाऊं। फिर याद रखो भैया कमल के निशान में आपके साथ समर्पण हुए है, और मैं आज देख लूंगा कवर्धा के धायापन के आपके आगुहान जोड़े खड़े हो भैया। में माननीय योगी जी के पराक्रम से हम सब जन जन परिचित जन जन परिचित हम देखे हैं, हम सुने हैं, हम जाना तन के मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिला कर रख देगा। हम देखे हम सब बाता संगवारे दो तीन बात है भैया, मंच में बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, हम बात में जल्दी खत्म करो। मैं आप लगूंगा हमारे देश में सरकार बराबर 272 सांसद की जरूरत है, अब ये कांग्रेस वाले मैं तो ज्यादा तो सीट में लड़ा भी नहीं है। अब जो उनका सीट में लड़ा नहीं है देख सरकार से बनी भैया, अब जो सरकार नहीं बनी देख घोषणा पर क्या काम है भैया। कौन हक बता दे मैं निवेदन पूर्वक आप लहना चाहता भैया, विष्णुदेव जी के सरकार रजजब काम कर रहे हैं, 3 महीना सीधा सरल सरकार विष्णुदेव जी के सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने हैं भैया, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने हैं, और वैसे पहला आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति बने हैं। मैं आपका निवेदन पूर्वक बात एक करके कहा था हूं कि आज की बात आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी हम सब के मुखिया हम सब के नेता 3 महीना का काम कर रहे हैं, जज का काम पूरा देश के कोनो राज्य के 3 महीना कर रही सरकार ने भैया। मैं आपका निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं भैया, केंद्र के हर सरकार माने नरेंद्र मोदी जी की सरकार गजब काम कर रहे हैं, हम सब जाना धन अमेरिका जब वही रहे हैं तो अमेरिका के दोनों सदन खड़े हो करके उधर भाषण में ताली बजावे। हम देखे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध हो रहे हैं, भारत के छात्र बस रहे हैं, तब फोन करके वो आवाज भारत बुलाने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी आवे, और बहुत सारा बात है हमारे मुखिया आए हैं उत्तर प्रदेश से, हम बता दें मैं आपसे एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अपन भाषण में है अपन भाषण में है कि दो कार्यकाल में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब झांकी है झांकी,
पूरा फिल्म देखना बाकी है सरे, पूरा फिल्म देखना बाकी है। यही से निवेदन है अवैया 26 तारीख को कमल के निशान में ईवीएम मशीन में तीसरे नंबर में बटन दबा करके संतोष पांडे जी को प्रचंड मत से भी बनाए और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश के सामर्थ्य का डंका बजाया उनको तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बुलडोजर बाबा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, एक बार सब अपनी जगह से खड़े होकर ताली बजा कर स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी, छत्तीसगढ़ मातारी, माँ बिमलेश्वरी, माँ बिमलेश्वरी, जय जोहार। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन देवांगन जी, राजेश मुड़ा जी, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह जी, प्रदीप गांधी जी, अशोक शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी नारायण चंदेल जी, लोकसभा के संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा, क्या आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भी छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भी निहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का निहाल है, माता कौशल्या का माइका है, जितने अभिभूत उत्तर प्रदेशवासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला आगमन, रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है, और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं,
वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभी आनंदित हो उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं हजारों वर्षों से अपनी विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने अपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ से आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।